100% गलत है। इसलिए व्यवहारों की उत्पत्ति है असंतोष। इनके पिताजी भी उसी की गोद से पढ़ के निकले हैं, आई भी उन्हीं की गोद में निकले हैं और उसी को पढ़ाई उसी को शिकायत करते हैं। इनका बेटी की शादी व्यवहारों किया हुआ है उसी को शिकायत करते हैं। यह जो है यह बिल्कुल जो है चौधरी जी ने जातीय और उन्माद पैदा करना चाहते हैं और पूर्व की तरह जहानाबाद को उस आग में झोंकना चाहते हैं। इनका यही उद्देश्य है। बेटी भी देते इसका मतलब है कि इनको अपने इनको अच्छे नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम किस मथि में हैं, हमको नहीं कहना चाहिए। मैंने क्या आपको सोचते हैं कि माथा इनका लता है कि थोड़ा सा गबरा गया है और इनको हम तो मांग करेंगे नेतृत्व से इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए और नहीं तो उन्माद फैल सकता है अशोक चौधरी के बयान से। टिकट नहीं देंगे तो टिकट रखे अपने पास। भूमिहार कम जरूर है आरक्षण के अनुसार, ये कमजोर नहीं है। टिकट की आवश्यकता नहीं है, है तो मैंने हम कमजोर हम कहा कि हम कम है लेकिन हम कमजोर नहीं है। बहुत जोर से पड़ेगा और नीतीश कुमार को खेवाजा भुगतना पड़ेगा। इनका आला कमान जिस समय व्याकुल भारत थे तो भूमिहार समाज ने ही इनको खड़ा किया और स्टैंड किया, आवाज यहां तक पहुंचाया, आवाज उसी को गाली दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार का सही में दिमाग भी खराब है, इसलिए कि उनका मंत्री का भी दिमाग उसी तरह खराब होते जा रहा है। एकदम पूरा दोनों पूरा नीतीश कुमार का नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सभी लोगों की लाज की जरूरत है। पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। और उसमें से कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबंधी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रबंधी जी का वोट आपका उम्मीदवार, चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार करता। हमको कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं है, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने लानी तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता दिल्ली मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। करते हैं एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए, अब नेता बनना चाहते हैं प्रदेश में। रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी हैं, अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। ये 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है।